गरीब बीमार आदमी जगदीप सिंह, जिसका कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ, वह बाजार से जाते समय थककर कुछ देर के लिए रास्ते में छाया देखकर बैठ गया। जहां वह बैठा था, उस जमीन के मालिक ने उसके बैठने पर एतराज जताया और उसे मारपीट भी की। प्रभावित व्यक्ति उसे अपनी स्थिति और स्वास्थ्य की जानकारी देता रहा, लेकिन जमीन के मालिक ने उसकी एक न सुनी और उसे बदसलूकी करता रहा। जगदेव सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। मारपीट होने से जगदेव सिंह की तबीयत बिगड़ गई और नौबत यहां तक आ गई कि उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। अधिक जानकारी देते हुए अस्पताल के समीप चाय बेचने वाले प्रभावित जगदेव सिंह ने आपबीती सुनाई और कहा कि उसका सोलन अस्पताल में ऑपरेशन हुआ और 20 दिनों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। जब वह घर जा रहा था तो कुछ देर के लिए छाया में बैठ गया, लेकिन जिस जमीन पर बैठा था उसके मालिक ने उससे अकारण ही मारपीट शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसे फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अभी भी इसका इलाज चल रहा है। जगदेव ने बताया कि उसने आरोप के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मैं क्या जनाब, आप चलिए, मैं आ जाऊंगा। कि ज्यादा बकवास करता है और उसने सीधे मेरे मुंह पे 2-3 थप्पड़ मार लिए और मैंने बोला मेरा ऑपरेशन हो रहा, मुझे मत मार, केवल तेरा ऑपरेशन मैं करता हूँ, ठीक। इसने मुक्का मारे जैसे मैंने हाथ आगे रख लिया और मुझे धक्का भी दिया और मेरे ऑपरेशन में दर्द हो गया। उसके बाद फिर उसने बाजू से खींचता हुआ मुझे सड़क तक लाया। फिर पुलिस वाले ने कहा कि आपने कल आ जाना, उनको भी बुला लेंगे। तो कल करते करते 9 दिन बीत गए, ना मुझे बुलाया गया और ना ही कोई मुझे संपर्क किया गया। 2 दिन बाद जब मैं हॉस्पिटल आया, मेरे ऑपरेशन में दर्द हो गया, स्वेलिंग आ गई, तो डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया 123 अटवाल जी को, तो गुम चोटें पाई गई और 15 दिन का बेड रेस्ट दवाइयाँ दी गई। टमाटर की फसल सोलन के किसानों की नकदी फसल है। किसानों के साथ साथ सोलन शहर की आर्थिक टमाटर के सीजन पर ही निर्भर करती है। टमाटर की फसल अब सोलन की सब्जी मंडी में आने लग गई है। हालांकि अभी किसानों को दाम अभी कम मिल रहे हैं, लेकिन किसानों को उनकी फसल के दाम उचित मिले इसके लिए APMC रणनीति बना चुकी है। किसानों को APMC के प्रति कोई शिकायत ना रहे इसके लिए भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। APMC के अध्यक्ष संजीव कश्यप ने बताया कि किसानों को काफी समय से शिकायत थी कि उनका टमाटर वजन के हिसाब से नहीं बिकता है और क्रेट के हिसाब से आरती टमाटर खरीदते हैं। इसके लिए अब APMC ने कदम उठाया है कि अब किसानों को टमाटर के दाम क्रेट के बजाय वजन के हिसाब से मिलेगा। उन्होंने बताया कि APMC का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिले, इसलिए APMC अपनी कार्य प्रणाली को लगातार सुधारने का प्रयास कर रही है। हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे किसानों को यहाँ पर 1000 रुपए के हिसाब से क्रेट से टमाटर बिके। APMC का एक उद्देश्य है कि हमारे जो किसानों को जो है अच्छा दाम मिले, उसी के तहत हम कार्य करेंगे। बसों की ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा अचानक जारी किए गए फरमान के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर ओवरलोडिंग के खिलाफ लिए गए फैसले की कड़ी निंदा की। वहीं इस मामले को लेकर मंडी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने सरकार से इस फैसले को आनन फानन में लिया गया फैसला करार दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के मुताबिक सरकार का ये फैसला जन विरोधी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की जिला सचिव और मंडल के सदस्य जयवंती ने बताया कि ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, इस बात के हक में सभी हैं, मगर ओवरलोडिंग को बंद करने का फरमान जारी करने से पहले इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार को प्रारूप तैयार करना चाहिए था।
के बाद ये फरमान जारी होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों और युवाओं के खिलाफ लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले बसों की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ में निगम में कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए। जयवंती ने कहा कि सरकार ठेकेदारी प्रथा की आड़ में आम जनता को लूटने पर उतारू है। समाधान हो सकता है, नहीं तो हमें ऐसा शंका पैदा हो रही है कहीं ये जो ठेकेदारी प्रथा है, या इसको हम क्या बोले कि ठेकेदारी प्रथा के आड़ में लोगों का पैसा लूटने की एक और नजरिया सामने ऐसा महसूस किया जा रहा है। इसलिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि इसके लिए कड़ा संज्ञान ले, नहीं तो जन आक्रोश ज्यादा हो सकता है। हिमाचल का हमीरपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के चलते हमीरपुर बस स्टैंड पर लोगों और यात्रियों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। लगभग 15 दिनों से बस स्टैंड पर पानी की किल्लत बनी हुई है। बस स्टैंड पर पानी का कूलर और हैंडपंप 100 पीस ही बनकर रह गए हैं। बस स्टैंड से लॉन्ग रूट की दिल्ली, कुल्लू, मनाली, चंबा, शिमला, देहरादून, अन्य की बसें जाती हैं, लेकिन उन यात्रियों को भी पानी खरीद कर ही पीना पड़ रहा है। यहां तक कि बस स्टैंड के सामने दर्जनों दुकानें बनी हुई हैं। ये लोग भी सुबह शाम हैंडपंप और कूलर से ही पीने का पानी लेते थे, लेकिन अब उनको भी अन्य जगह जाकर पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं मदन लाल ने बताया कि इतने दिनों से हमीरपुर बस स्टैंड में पानी नहीं आ रहा है। विभाग को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, किसी को भी कोई परवाह ही नहीं है, चाहे किसी को पानी मिले या ना मिले। वहीं निर्मला देवी ने बताया कि बस स्टैंड हमीरपुर में पानी की इतनी किल्लत बनी हुई है कि पानी खरीद कर ही पीना पड़ रहा है।